मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने चलो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने यहां पर एक कंटेनर लिया और उसको एसटीएम के थ्रू क्या किया, सेपरेट किया, और यहां पर हमने सॉल्वेंट रखा, यहां पर हमने वाटर ले लिया, यहां पर हमने वाटर ले लिया और यहां पर हमने सॉल्यूशन ले लिया, यहां पर हमने सॉल्यूशन ले लिया, यहां पर हमने वाटर रख लिया। और यहां पर हमने सॉल्यूशन रख दिया। और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्वेंट इधर पास होगा, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट फ्लो को रोकने के लिए हम यहां पर क्या अप्लाई किए, यहां पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लगा दिया, यहां पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया पाई पाई वन, और ये जो सॉल्यूशन है वो सुगर का है और इसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, पाई इक्वल टू अगर हम निकाले तो सी आई टी यानी कंसंट्रेशन, आर का वैल्यू और टेम्परेचर। अब ध्यान देना, अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दो तरीके से निकाल रहे हैं। एक तो वाला तरीका है जैसे कि हमने नोटबुक पे निकाला, और इसी को हम सेम सब कुछ कंडीशन लेके हम एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हैं। तो हम दो तरह से वैल्यू निकाल रहे, एक थ्योरेटिकल जो हम नोटबुक पे निकाल रहे हैं फॉर्मूले के थ्रू, उसको हम थ्योरेटिकल बोलेंगे, और जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके एनालिसिस करके तब उसको हम वैल्यू को डेटा को देख रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ रहा है, फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम, सब कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख रहे हैं। तो दो तरह से हमने वैल्यू निकाला ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो यहां पर जब ये देखा गया कि थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या क्या आया, तो आई वहीं से जनरेट हुआ। आई का वैल्यू होता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आया, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हम जब थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं तो तब वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये देखा गया कि इस केस में जितना एक्सपेरिमेंट आ रहा है यानी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आ रहा है, उतना ही थ्योरेटिकल आ रहा है, कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, इसलिए आई इस केस में 1 हो गया। आई का वैल्यू दोनों सेम आ रहा था, आई 1 हो जाएगा, और ऐसे भी हम जानते हैं कि शुगर के लिए आई क्या होता है, 1 होता है। तो एक्चुअल में आई का फंडा यहीं से निकला, तो आई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। तो पहले इतना लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी और आगे अभी आई का वैल्यू जानना है। पहले ये एक्सपेरिमेंट नंबर केस नंबर 1 हुआ, तो जल्दी से इसको लिखो।
सबने लिख लिया। सबने राइट डाउन किया क्या? ओके, डायग्राम भी निकाले हो ना सबने? ओके, अब ध्यान देना। ध्यान देना, अब अगर हम यहां पर एक कंटेनर ले ले और इस कंटेनर में हम एसपीएम लगा दे, और यहां पर हम सॉल्यूशन ले ले और इस बार जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो NaCl का ले रहे हैं और यहां पर हम वाटर ले ले रहे हैं, यहां पर हम NaCl सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन 2 मोलर है और यहां पर है वाटर। अब यहां पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया π2। π2 का हमने वैल्यू निकाला मतलब नोटबुक पे, तो CRT कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। अब ये वैल्यू जो है हमने थ्योरेटिकल निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मुझे ये बताओ क्या दोनों वैल्यू एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? यानी नोटबुक पे निकाला गया वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर का और एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया वैल्यू, क्या डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? तो स्नेहा सेम, साक्षी डिफरेंट, विशाल डिफरेंट, तो मुझे बताओ डिफरेंट क्यों आएगा? बिल्कुल सही है, डिफरेंट ही आएगा। तो मुझे बताओ डिफरेंट क्यों आएगा? सुतार सेम, तो इसका आंसर है कि डिफरेंट आएगा, बिल्कुल सही है। अब क्यों डिफरेंट आएगा? देखो मैं बता रहा हूं, तुम अगर NaCl का सॉल्यूशन लोगे और पाई इक्वल टू ICIT लगाओगे, आंसर गलत आएगा क्योंकि तुम यहां आई लेना भूल गए हो, इसलिए मैं पहले आई के बारे में पढ़ा दिया था, आई लेना तुम भूल गए हो, यहां पे आई भी लेना पड़ेगा, आई यहां पर लेना पड़ेगा और आई का वैल्यू NaCl के क्या लोगे? 2 लोगे। लेकिन जब हम आई नहीं लेंगे तो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सेम कैसे होगा? आई का यहां वैल्यू 2 है, डिसोसिएट हो रहा है, तो तुम तो यहां आई लिए ही नहीं हो, तो NaCl के लिए आई का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, तो तुम तो आई लिए ही नहीं हो, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम कैसे आएगा? अब ये लिख दोगे और जब यहां पर आई का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके अब बराबर आएगा, लेकिन जब लोग नॉलेज नहीं था बैंड ऑफ फैक्टर के बारे में तो लोग पैसे निकाल रहे होंगे ना, तब देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 टाइम्स का, ये 2 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, ये 2 टाइम्स कम आ रहा है, तो अभी दोनों को डिवाइड किया गया तो आई का वैल्यू निकला और आई का वैल्यू इस केस में 2 निकला, ये डबल आ रहा था मतलब 20 आ रहा होगा तो 10 आ रहा होगा, तो आई का वैल्यू 2 निकला, तब समझ में आया कि आई नाम का कोई भी चीज है यहाँ पे,
डायंटा फैक्टर जो है, तो आई यहां पर डिफरेंट आने का रीजन यही है। तो आई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, अगर सेम आने लग जाए तो आई वन होगा यानी वो डिसोसिएट नहीं होगा। अगर मान लो ये वैल्यू ज्यादा आने लग गया, जितना हमें चाहिए, जितना हमें थ्योरेटिकल से जितना ज्यादा आने लग गया, इसका मतलब वो आई है। अगर मान लो टू टाइम्स आने लग गया तो आई का वैल्यू टू लेना पड़ेगा। कम आने लग गया, इसका मतलब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, यानी एसोसिएशन है। तो डिसोसिएशन के केस में ये वैल्यू ज्यादा आएगा और यहीं से आई का जनरेशन हुआ था। आई कुछ और नहीं है, आई इज ए रेशियो ऑफ, यानी वेंटा फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। यानी हम अब केवल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि आई इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आई इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब चारों, तो आई इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द रेशियो ऑफ टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ केवल मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लिया है, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब कुछ ले सकते हैं हम। तो आई यही है, तो कभी भी अगर बोर्ड वगैरह में आएगा लिखने के लिए आई क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, जो वैल्यू आता है वो आई है। आई इज ए रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू डी थ्योरेटिकल वैल्यू। इसीलिए मैं आई का वैल्यू पहले निकलवाना सिखा दिया था, आई कैसे निकालना है, कैसे यूज करना, वो सब सिखा दिया था। वो सब कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये सब बोर्ड वगैरह में तुम्हें कि पूछेगा कि आई क्या है, तो यही बस लिख देना कि आई यही है। डिसोसिएट हो रहे इस लाई का वैल्यू आई एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। जिस केस में मान लो डिसोसिएट नहीं हो रहा तो दोनों वैल्यू क्या आएगा सेम, उस केस में आई क्या आएगा वन, जैसे शुगर के लिए, ग्लूकोज के लिए, यूरिया के लिए। जब मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, एसोसिएट होंगे, तब जाके दोनों वैल्यू से अलग अलग आएगा, तब हमें समझ में आता है कि ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से इनमें कुछ इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करते हैं। ये सबने लिख लिया, सो
ओके अब देखो ध्यान से, अगर मान लो तुम ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिखो तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। I इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इक्वल टू CIT और ये हो जाएगा CIT, ये थ्योरेटिकल है और ये एक्सपेरिमेंटल है। चलो कुछ भी लिख देते हैं, RT CIT हटा दो, C1 अपॉन C2, C1 बोले तो मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये C1 C2 नहीं लिख रहा हूं मैं, ये इसको लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल को हम ऑब्जर्व भी बोलते, ये पहले लिख लेना नहीं तो कहीं कहीं बुक में ऑब्जर्व लिखता है। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। तो कहीं का एक्सपेरिमेंटल लिखता है, पहले इसको लिखो फिर हम आगे बात कर रहे हैं। कहीं का एक्सपेरिमेंटल लिखता है, कहीं का ऑब्जर्व लिखता है। अब ध्यान देना, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिखे आई इक्वल टू पाई ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल, तो पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे सीआईटी यानी सी ऑब्जर्व आर टी और सी थ्योरेटिकल आई टी, आई टी से आई टी गया, सी ऑब्जर्व्ड यानी सी, सी क्या होता है मोल, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल ऑब्जर्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड, और ये थ्योरेटिकल क्या होगा मोल थ्योरेटिकल अपॉन वॉल्यूम थ्योरेटिकल, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा मोल ऑब्जर्व अपॉन मोल थ्योरेटिकल। मोल को हम क्या लिखते हैं गिवन मास, गिवन मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व, मोलर मास ऑब्जर्व अपॉन गिवन मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मोलर मास, सॉरी गिवन मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास थ्योरेटिकल, इससे कैंसिल हो गया, मान लो गिवन मास सेम है तो फाइनली हमें क्या मिला, ये मैं कुछ किया नहीं बस एक दूसरे में कन्वर्ट करते गया, कंसंट्रेशन का मोल अपन वॉल्यूम, मोल को गिवन मास अपन मोलर मास। अब तुम यहां देखोगे तो आई, एक आई निकल के आया, आई यहां लिखेंगे हम, आई लिखेंगे आई इक्वल टू, तुम लास्ट में देखो ये ऊपर जाएगा तो आई इक्वल टू हम लिखेंगे मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व, यहां उल्टा हो जाता है, बस इसी चीज को मैं दिखाने के लिए किया था, यहां ऑब्जर्व होता है नीचे थ्योरेटिकल होता है, मोलर मास में ऊपर थ्योरेटिकल हो जाएगा नीचे ऑब्जर्व होगा, क्यों होगा इस चीज को मैं यहां बताया कि देखो ये कैसे ऊपर जाएगा, ये थ्योरेटिकल ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया है और ये ऊपर चला जाएगा और ये ऑब्जर्व नीचे चला आएगा, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मास। गिवन मास कैसे इक्वल हुआ, अरे जो तुम्हें दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए और जो तुम थ्योरेटिकल निकाल रहे हो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या किए हो सेम मिलाए हो ना, जो तुम मिला के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जो तुम मिला के थ्योरेटिकल निकाल रहे हो क्या सॉल्यूट का अमाउंट तुमने चेंज किए क्या, नहीं ना, सेम कंटेनर का तुम थ्योरेटिकल निकाल रहे हो सेम कंटेनर का तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सॉल्यूट क्या होगा एक सेम होगा लेकिन उसका मोलर मास में चेंजेज होने की वजह से उसमें डिफरेंस आ सकता है, तो गिवन मास तो सेम ही होगा ना,
तो यहां से निकल गया एम थ्योरेटिकल। अब ये आई एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व क्यों लिया गया। अब मान लो तुम, मान लो कि तुम कोई चीज निकालो, डेल्टा टीबी निकाल लो, आई के बी एम। अच्छा मान लो तुम एनएसएल लिए, तो एनएसएल का मास पकड़ोगे तो आई का वैल्यू क्या लोगे, टू टाइम्स आया कि नहीं आया, उसका मास में टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये सब मीनिंग निकल रहा है आई का, आई कैसे निकाला जाता है, कैसे यूज किया जाता है, वो कल के लेक्चर में बता दिया तुम्हें, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आना है, ये सब बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं। आई कैसे निकाला जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कल के लेक्चर में हो गया था सब, वो उसको इसमें नहीं मिक्स कर देना है। बातें क्लियर हो गई होगी। तो बस ये तुम्हें अभी तक जितना मैं पढ़ाया उसमें तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल, आप मोलर मास के टर्म में, मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी दो डेरिवेशन करवाना है। ये हमने आई के बारे में बताया, भाइंटा फैक्टर के बारे में बताया, तो ये सब लिख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो हमने बताया था क्या, आई इक्वल टू, जो कल के लेक्चर में बताया आई इक्वल टू 1+(n-1) अल्फा, इसको डेराइव करवाएंगे। और सर इसके वजह से ही एसोसिएशन डिसोसिएशन में वैल्यू ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी के वजह से सब कुछ होता है, डिसोसिएशन एसोसिएशन के वजह से ही ये सब चेंजेज आ रहा है। अब एनएससीएल दो पार्ट में ना तो ब्रेक होता ना तो उसका आई आता। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा, अगर डिसोसिएट ही नहीं होता तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आता, सेम आता है, लेकिन डिसोसिएट करने की वजह से वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कुछ और आ रहा है, थ्योरेटिकल कुछ और आ रहा है, तब लोगों ने समझा कि हो ना हो इसमें कुछ लोचा है, और वो लोचा निकला वेंटा फैक्टर आई। यानी दोनों के वैल्यू में अलग अलग आने का रीजन ये है कि हम एनएससीएल जाके वहां टूट जा रहा है दो पार्ट में, और हम दो ले नहीं रहे, कंसीडर नहीं कर रहे। जब लोगों ने ये कंसीडर करना स्टार्ट किया तो वैल्यू बिल्कुल सेम आने लग गया, तब देखा देखा कि उसी को नाम दे दिया गया वेंटा फैक्टर आई। क्लियर हुआ या नहीं?